दोस्तों, मौसम में बदलाव, खान पान में गड़बड़ी या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से भी वायरल बुखार होता है। इससे होने वाला बुखार हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ता है। वायरल बुखार होने से गले में दर्द, खांसी, जुखाम, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, आंखों का लाल होना, माथे का बहुत तेज गर्म होना एवं अनेकों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि किन किन कारणों से आप वायरल बुखार की चपेट में आते हैं। वायरल फीवर मौसम के बदलने पर प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने पर होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण बुखार आता है, जैसे दूषित जल एवं भोजन का सेवन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, वायरल बुखार हुए रोगी के साथ रहना। वायरल बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन एवं इलाज के अभाव में 12 से 14 दिन तक भी रह सकता है। अब तक आपने वायरल बुखार होने के लक्षण और कारणों के बारे में जाना, लेकिन कुछ सावधानियां यानी कि खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाकर इस रोग की चपेट में आने से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे दूषित जल एवं भोजन से बचें, पानी को उबालकर गुनगुना करके ही पिएं, मौसम में बदलाव आने पर उचित आहार का सेवन करें, वायरल बुखार ग्रस्त रोगी के संपर्क में आने से बचें। अब बात करने वाले हैं वायरल फीवर से बचाव हेतु आप कौन कौन से घरेलू नुस्खों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अदरक, वायरल बुखार में होने वाले दर्द में अदरक बेहद लाभदायक होता है। अदरक के पेस्ट में थोड़ा शहद मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में लेने से आराम मिलता है। 5 से 7 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच लौंग पाउडर को 1 लीटर पानी में उबालकर रख लें। हर 2 घंटे के अंतराल में आधा कप की मात्रा में इसको पिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। गिलोय, 4 से 6 लंबी गिलोय को लेकर 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। 100 मिलीलीटर शेष रहने तक इसे उबालें और हल्का ठंडा करके पिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है तथा बार बार होने वाली सर्दी, जुखाम व बुखार नहीं होते हैं। लौंग, 2 से 4 लौंग को पीसकर पाउडर तैयार कर लें। अब इसे 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लें। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी। वैसे तो वायरल फीवर आम बीमारी माना जाता है, लेकिन अब इसके लक्षण काफी जटिल हो गए हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक बुखार कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाकर कम्प्लीट जाँच कराकर दवा करवाएं। कभी कभी ज्यादा लापरवाही करने से छोटी बीमारी भी घातक सिद्ध हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को इतने प्यार से पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।